नियमितीकरण एवं पूरे वेतन की मांग को लेकर आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और वहां प्रदर्शन भी किया। दरअसल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण एवं पूर्ण वेतन की बात कही थी, परंतु आज तक भी यह मांग पूरी नहीं हो सकी है। यदि सरकार 7 दिवस के भीतर यह मांग पूरी नहीं करती तो एक बृहद आंदोलन किया जाएगा। गाड़ी से हट जाओ यार तुम लोग, हमने बोला था कि हम तुम्हारे नियमित करेंगे और स्थायी रूप से तुमको पक्का कर देंगे, लेकिन पक्का करने की बजाय हम लोगों का वेतन मतलब आधे से आधा दे रही है और हमारी बहन बहुत परेशान हो रही है। सरकार का मिल रहा है 3,000 बस, जो उन्होंने वादा किया था वो वादा उन्होंने निभाया, हम लोग पूरा नहीं किया है। क्या मांग कर रही है कमलनाथ जी से कि आप क्या करें? शासकीय घोषणा किया जाए, वचन दिया था, वचन निभाए, जो उनने कहा था उसी के लिए हम लोग पूर्ण करना चाहते हैं, हम लोगों को नियमित किया जाए। हमारा ये जो वर्तमान में बन चुके हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगी कि जो उनने अपना वचन दिया था कि हमारी सरकार आने के बाद हम आप लोगों को शासकीय घोषित करेंगे, फिर वो क्यों नहीं कर रहा है अभी तक? और हम लोगों का जो वेतन मिलता था 10,000 वो भी अभी 3 माह से 3,000 रुपये मिल रहे हैं, वो भी कट के मिल रहे हैं। इसलिए उनसे हमारा ये अनुरोध है कि हमारों का जो भी मांगे हैं वो पूरी शीघ्र करें। हम लोगों की योजना सुनवाई से है कि जब हम लोग हड़ताल पर भी बैठे थे तब भी हम लोगों की मांग थी कि हम लोगों को शासकीय घोषित किया जाए, लेकिन हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने हम लोगों का मानदेय तो रबर कर दिया था, लेकिन आज तक हम लोगों को शासकीय घोषित नहीं किया। और अभी हमारी बहनें 18 और 19 तारीख को दिल्ली में धरना दिए थी, नारी बुलंद आवाज़ वाली हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन वाली, तो 18-19 को धरना दिया। आज हमने भी रैली के माध्यम से ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम भेजा, उनने बजट में 50% तो बढ़ा दिया, जो कि 40% देते हैं यानी 3,000 रुपये देते हैं, अब उन्होंने 50% बढ़ाए तो 1,500 रुपये कार्यकर्ता के और 750 रुपये सहायता के बढ़े, लेकिन वो भी उन्हें आदेश पारित तो किया नहीं, और वो आदेश पारित भी करेंगे तो उनका हम विरोध करेंगे। जब तक हम लोग काम कर अभी ज़्यादा कर रहे हैं और देश के हित में कर रहे हैं, और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, शासकीय घोषित नहीं किया जाता है, और जो हमारी बहनें निकल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया था कि 1,75,000 सहायता को देंगे, लेकिन वो आदेश भी पारित नहीं हुआ, तो जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती हम लोग शासकीय घोषित नहीं होते होंगे। 1 हफ्ते का टाइम दिया है हम लोगों ने, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पाते।